हेलो दोस्तों, हमारे पास ये सैमसंग 32 इंच का मदरबोर्ड है जो डेड है। इसमें पावर सप्लाई ऑन है, आगे रेड लाइट जो स्टैंड बाय की लाइट होती है वो ऑन नहीं हो रही है। तो हम इसमें अभी देखने वाले हैं कहाँ पर फॉल्ट है, इसे सप्लाई देकर ऑन कर लेंगे। हमने सप्लाई ऑन कर ली है, यहाँ जो रेड इंडिकेटर है वो नहीं आ रहा है, तो वोल्टेज चेक कर लेंगे। बारह वोल्ट आ रहा है प्रॉपर, 5 वोल्ट भी प्रॉपर आ रहा है, 3.3 भी प्रॉपर है। अब रीसेट देख लेंगे, रीसेट भी प्रॉपर आ रहा है वोल्टेज। अब हम इसमें देखेंगे कि प्रोसेसर वर्क कर रहा है कि नहीं। इसमें पहला बूट जो हमारी 25 सीरीज की फ्लैश आईसी होती है उससे होता है, सेकंड बूट एमएमसी से होता है। तो हमें इसमें सीएलके चेक करना होगा 25 सीरीज की आईसी पे। उसके लिए पहले हम सप्लाई चेक कर लेंगे, 3.3 सप्लाई आ रही है बराबर। अब सीएलके चेक कर लेंगे, क्लॉक एक्टिव है, यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब हमारा जो प्रोसेसर है वो वर्क कर रहा है पर वो बूट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हमारी 25 सीरीज की जो फ्लैश आईसी है हो सकता है वो या तो ख़राब हो चुकी है या तो उसका डेटा करप्ट हो चुका है। सीरियल प्रिंट ले लेंगे, उसमें देखेंगे कोई एरर आता है या फिर क्या सीरियल प्रिंट आता है। पहले बोर्ड को ऑफ कर लेंगे, मैं कनेक्शन देख लेंगे। RX TX ग्राउंड, कनेक्शन कर लेंगे। बोर्ड में हमारा कनेक्शन हो गया है, अब IR कॉम 35 ले लेंगे। सीरियल प्रिंट हम IR कॉम 35 में लेने वाले। IR कॉम 35 को ऑन कर लेंगे, कनेक्शन कर लेंगे। ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब सीरियल प्रिंट लेने के लिए हम मेन्यू ब्लू येलो ग्रीन रेड प्रेस करेंगे, ये ग्रीन प्रेस करेंगे। यहाँ पर 7 नंबर पे कस्टम है, उसे सेलेक्ट करेंगे। और अभी हमें बाउड रेट सेलेक्ट करना है, 115200 सेलेक्ट करने के लिए हम पाए प्रेस करेंगे। बोर्ड को ऑन कर लेंगे, यहाँ पर हमें कोई सीरियल प्रिंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा सीपीयू बूट नहीं हो रहा है। तो हमारी जो 25 सीरीज की फ्लैश आईसी है वो हो सकता है या ख़राब हो गई हो या फिर उसका डेटा करप्ट हो गया हो। तो हम उसमें हमारा ओके बोर्ड है हमारे पास, उसका डेटा राइट करके देखेंगे इस आईसी में।
अब हमारे पास जो ओके बोर्ड है उसमें से हम आईसी का डेटा रीड करके IRCON 13 में सेव करेंगे। बोर्ड को ऑफ कर लेंगे पहले। हमारे पास ये ओके बोर्ड है, इसकी आईसी को निकाल के हम रीड करने वाले। अब हम आईसी को निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये अटैचमेंट है 25 सीरीज 24 सीरीज की आईसी इसमें लगती है, तो अब हम इसमें आईसी लगा कर उसको रीड कर लेंगे। IRCON 13 को बंद कर लेना है, फिर कुछ इस तरीके से अटैचमेंट IRCON 13 में लगा कर उस पर आईसी लगा लेना है। हमने IRCON 13 में आईसी को लगा दिया। अब ऑन कर लेंगे IRCON 13। अब हमें मेन्यू में जाकर 25XX प्रोग्रामर में जाना है, जो कि 8 नंबर पर है मेन्यू में। यहाँ पर हमें चिप सेलेक्ट करना है, तो हमारी आईसी है 25Q40 नंबर है हमारी आईसी का, तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। ये 25P40 अब मेन्यू प्रेस करके रीड कर लेंगे आईसी। रीडिंग स्टार्ट हो चुका है। वेरीफाई हो रहा है अभी। ये हमारी आईसी रीड हो चुकी है। अब हम इसे रीनेम करेंगे F2 प्रेस करके। यहाँ पर हमें इसे रीनेम करना है, जो भी आईसी आपकी रहेगी वो हिसाब से आप उसको रीनेम कर देना। ये हमारा डेटा सेव हो चुका है। अब हमें अगर हमारे पास ओके बोर्ड नहीं है तो फिर भी हम इसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा IRCON 13 में डेटा सेव हो चुका है। ब्लू बटन प्रेस करके एग्जिट कर लेंगे और आईसी फिर से लगा देंगे इस जो हमारा ओके बोर्ड था उसमें। साफ कर लेंगे आईसी को। बोर्ड को आप साइड में कर लेंगे। अब हमारा जो बोर्ड डेड था जिसमें प्रॉब्लम थी वो ले लेंगे। अब हम इस बोर्ड से आईसी निकाल कर इसमें डेटा राइट करेंगे जो हमने ओके बोर्ड से रीड किया था।
अब हम जो आईसी निकाले उसको हम अटैचमेंट में लगा लेंगे। ये हम अटैचमेंट में हमने लगा लिया है आईसी को। पहले लगा लेंगे अटैचमेंट IR-15 में, अब ऑन कर लेंगे। अब मेन्यू में जाकर फिर से 25X प्रोग्रामर में चले जाएंगे। यहाँ अभी हम फिर से चिप सेलेक्ट कर लेंगे 25P40। अब यहाँ पर हम F1 प्रेस करेंगे, यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारे IR-13 में हमने सेव करी है। अभी हमने सेव करी थी ये S32C4340, तो अब हम इसे ओके प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो फाइल थी वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब इसको राइट करने के लिए हम वॉल्यूम प्लस प्रेस करेंगे, ये पहले इरेज करेगा आईसी को। अब राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वेरीफाई हो रहा है ऑल डन हो चुका है। जो हमने डेटा सेव किया था IR-13 में वो हमने अभी /IC में राइट कर दिया है। अब हम IR-13 को बंद कर लेंगे। अब हम IC फिर से लगा देंगे बोर्ड में से निकाल कर अटैचमेंट से। हमारी IC लग चुकी है, अब साफ कर लेंगे IC को। बोर्ड को ऑन करेंगे। हमारा सीरियल प्रिंट आ गया है, मतलब हमारा CPU बूट हो चुका है। अब हम LVDS का वोल्टेज चेक कर लेंगे। IR-13 आ चुका है LVDS पर। हमारा LVDS पर भी सप्लाई आ चुकी है। अब हम स्क्रीन लगाकर चेक कर लेंगे।
अब हम बोर्ड को ऑन कर लेंगे। बोर्ड ऑन हो चुका है। ये बोर्ड जो डेड था, इसमें हमने ट्रेस किया तो इसका जो सीपीयू था वो बूट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी 25 सीरीज की जो आईसी थी उसका डेटा करप्ट हो गया था। तो हमने फिर दूसरा बोर्ड लिया जो कि ओके था, तो उसकी आईसी को रीड किया, फिर हमारे इस बोर्ड में जो आईसी थी उस पर राइट किया, तो हमारा बोर्ड अब ओके हो चुका है।